ओ पूरे के पूरे 150 लोग। तो ये बोर्डिंग शुरू हो चुका है पूरे के पूरे 150 लोगों का। आधे लोग प्लेन में भी चले गए, एकदम टाइम पे था। थोड़ा बिजी थे इसके लिए ना लाइव पे आ सके ना आई मीन वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सबका बोर्डिंग हो चुका है, ये पूरे के पूरे प्लेन में अपने ही लोग जा रहे हैं और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग भी हो जाएगा। अभी हम प्लेन में जाके वीडियो बनाता हूँ। सो हम लोग प्लेन में बैठ रहे हैं खैरियत से। ये हमारे मंजूर भाई, करता धरता हमारे टूर ऑपरेटर, ये सर सर फेवर करते हैं। और ये जब हम 150 लोगों को पूरा चार्टर करके जा रहे हैं वो दिख रहे हैं, वो पब्लिक दिखती सब अंदर। अभी अंदर जाके मैं वीडियो उतारता हूं। फाइनली बोर्डिंग हो गया पूरे लोगों का और मेरे को सीट मिली है 1F फर्स्ट वन। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये सर मैं बैठा है फर्स्ट सीट मेरी, क्योंकि इसके पीछे खत्म हो गए, आगे कुछ भी नहीं। फर्स्ट सीट मेरी, फर्स्ट एफ। तो इनका कहना ऐसा है कि तकरीबन 4-4.5 घंटे में डायरेक्ट अहमदाबाद टू नजफ की फ्लाइट है और अभी एग्जैक्ट टाइम पे फ्लाइट है 2:30 बज रहे रात के और इंशाल्लाह हम लोग टाइम पे फ्लाइट उड़ के और 4-4.5 घंटे में इंशाल्लाह सुबह के 5 बजे तक तो इंशाल्लाह नजफ पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट फ्लाइट है इराकी एयरवेज। तो अभी मैं फ्लाइट उड़ेगी ना उसके बाद मैं वीडियो उतारता हूँ अंदर किस तरह लोग बैठे हैं। मैंने भी अभी तक पीछे जाके देखा नहीं। स्टाफ खाना खा रहा है और मेरे आधा स्टाफ आई मीन कुछ मम्मी यहाँ बैठे। बाकी ये पूरा प्लेन यहाँ से लेके क्या हो रहा है, ये पासपोर्ट का काम का चल रहा है। तो ये हमारे स्टाफ मेंबर पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखते हुए नस्ल इराक का हज्जातवा का ग्रुप ये पूरा आ रहे हैं। हाजिरी पुरो खाने का बागरोल आधाड़ फिर गड़का फिर गणेशपुरा सुरपुर कनाई हिलोल तालाब हिलोल पहाड़िया और बस हो गया। मैं धोलका नहीं, मैं तो चलो अहमदाबाद खाना पकाने वाले खुश हो जाओ। हाँ
जगह का मेला वारिफा में। ये हमारे नवाजिश भाई, ये हमारे कन्हई, ये बाजू मेलोल तल पहाड़िया बादर, बादर फैमिली बहुत पुराने कस्टमर हमारे। अच्छा अच्छा है खाने का, अभी खा के मैं फिर बताऊंगा कि मैं चुपचाप खा जाने वाला हूँ। तो अब वीडियो एक खाने के बाद ही होगी और अब शायद उतरने के टाइम पे। एंजॉय। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे और नजफ एयरपोर्ट आ गया है। रेड लाइट। ग्रुप निकल गया और सबके वीज़ा भी हो गया, सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि दो लोगों के स्पेशल वीज़ाज़ हैं, सिंगल वीज़ाज़। तो सब कुछ ओके है लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो सो रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो भाई साहब उठेंगे, उसके बाद ही दो लोगों का वीज़ा चेक करके वो जाने देंगे, ऐसा कहा गया है। लेट्स सी। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप नजफ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ बिना। बस ये थोड़ा सा लेट हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी अपनी गलती नहीं है, यहाँ के ऑफिसर सो रहे थे, हम क्या कर सकते, जाग रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी बस यहाँ से आप जैसे ही राइट लोगे तो हरम के अंदर की एंट्री आएगी, यहाँ से राइट लेंगे। वो सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, वो हरम का कोना है, यानी ये नया मॉल बन रहा है, उसके पीछे सेंटर में हरम है। और अपने इसको गोल घूम के, जैसे अपने यूं गोल घूमेंगे तो एक पूरा राउंड लगा के हरम से आके लेफ्ट उस तरफ अपनी होटल है, तो अपने हरम का एक राउंड तो वैसे भी लगेगा। आई जाओ आई जाओ, हमारा ग्रुप तो आ गया, खैरियत से। सब सर्दी में ठंडे ठंडे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ ठंडी है काफी। आओ आओ आप लोग, आओ बैठो बैठो, उधर सामान रखो और बैठो, दो मिनट चाबियाँ रेडी है आपको, हम आपके रूम के हिसाब से चाबी दे दो, फिर जाओ। हाँ अंदर बैठो बैठो बैठो, अभी इधर कर दे, रुको, ठंडी मस्त है, आओ बैठो बैठो, कुर्सी लेने बैठो, आ जाओ आ जाओ, बैठो थोड़ी देर, आपको चाबी मिल जाएगी रूम की। ये हमारी होटल खयाम है हरम के बिल्कुल पास में, यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो थोड़ा आगे हरम है। सामान आ गया, ग्रुप आ गया है मेरा। सो रूम की चाबियाँ रेडी है और नाम बुला बुला के सबको दे देंगे, पासपोर्ट जमा कर लेंगे। मैं पासपोर्ट आ गई थी।
गाड़ी में आता है।